दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक्स क्लब। दोस्तों अल्फा कॉमिक्स का इशू 2 चहल पहल मिस्ट्री ऑफ द मैजिकल पेंसिल आ चुकी है दोस्तों। रिटन बाय साहिल एस शर्मा जी, जिन्होंने अश्वत्थामा को भी लिखा है, अश्वत्थामा की भी कहानी लिखी है। तो मुझे पर्सनली इनका राइटिंग बहुत पसंद है और ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं, मेरी जब भी बात होती है। आप लोग भी शायद इनसे अट्रैक्ट कर चुके होंगे, काफ़ी बढ़िया इंसान है। तो देख सकते हैं दोस्तों कॉमिक्स कुछ इस तरह की है, मतलब सॉरी मैं अंदर ले गया इमीडिएटली आपको। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कवर जो है काफ़ी अच्छा बनाया है। देखिए दोस्तों इस पे कवर पे ग्लॉसी का काम नहीं है, बट फील पूरा ग्लॉसी का आ रहा है, काफ़ी अच्छा बनाया है। एक प्रीमियम लुक दिया है इन्होंने, 400 रुपये इसका मूल्य है दोस्तों, बताना चाहूँगा। और काफ़ी अच्छी लग रही है ये अल्फा कॉमिक्स की बुक नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अभी ये इंग्लिश में आई है लेकिन जल्दी ही ये हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं अंदर ये कॉमिक्स का जो आर्टवर्क है कुछ ऐसा है, और आप देख पा रहे होंगे अंदर के आर्ट किस तरह का है। और मैं इसमें किसी तरह की कोई नंबरिंग नहीं की गई है, कोई ऊपर की तरफ कुछ नहीं है या नीचे की तरफ कुछ नहीं है, सिंपली बस अंदर की तरफ सिर्फ सिंपल कॉमिक्स चल रही है। जो भी है वो इस तरफ है, देख सकते हैं ये पूरी संजय जी की टीम है। और पीछे बैक साइड पे कुछ ऐड है एंड पीछे चहल पहल के बारे में कुछ बताया गया है। चलिए तो दोस्तों, और सॉरी मैं ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये कंप्लीट स्टोरी है दोस्तों। तो ये इस तरह से है, ऑब्वियसली हिंदी बेंच में थोड़े से बुक्स, थोड़े इंग्लिश बुक्स की जगह थोड़ी कमी बनती है, बट इसके भी अच्छे खासे बायर्स हैं। बट जल्दी ही ये हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। मेरी खुद की पर्सनल चॉइस हिंदी ही रहती है अगर मुझे कॉमिक्स चाहिए तो, बट इंग्लिश में भी अच्छे खासे बायर्स हैं जो प्रेफर करते हैं परचेज करना। तो दोस्तों कॉमिक्स काफ़ी अच्छी बनाई है इन्होंने, आर्टवर्क मुझे ऐसा पसंद नहीं आता है, मैं ऐसे आर्टवर्क को ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो शायद मैं आर्टवर्क पे कमेंट नहीं करूँगा कुछ पॉजिटिव, बट आप लोगों को अगर ऐसा आर्टवर्क पसंद आता है तो आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी पर्सनल चॉइस को, मैं ऐसे आर्टवर्क को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। मुझे वो, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप हूँ इस मामले में, तो इस तरह के आर्टवर्क को मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाता। चलिए तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू चहल पहल द मिस्ट्री ऑफ द मैजिकल पेंसिल के बारे में। बट मैं सर्टेन हूँ कि इसकी कहानी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि साहिल जी का काम मेरे को पता है काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसे लेना चाहें तो। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।